नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं एक जर्मन सेडान के सामने जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज एस क्लास। 1972 में लॉन्च हुई थी और ये सिक्स जनरेशन का फेसलिफ्ट आप देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल में आती है, शुरू होती है 1,33,00,000 से और टॉप मॉडल कीमत है 2,73,00,000 रुपीज़। ये S450 आप देख रहे हैं जिसकी कीमत है 1,37,00,000 रुपीज़। इसके ऊपर फिर माइबाग S560 और S650 आएंगे, और ये 84 LEDs की मल्टी बीम हाई परफॉर्मेंस हेडलैम्प्स। एस क्लास में एस का फुल फॉर्म होता है सॉन्डर क्लास, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है स्पेशल क्लास। दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली लग्जरी सेडान है एस क्लास। योन हुन और रॉबर्ट लेसनिक ने डिज़ाइन की है एस क्लास। जर्मनी, इंडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया में असेंबली होती है एस क्लास की। 5.2 मीटर लेंथ है और 1.4 मीटर हाइट है और 2200 kg कर्ब वेट है। नए हेडलैम्प्स, और ये हैं 18 इंच के 5 ट्विन स्पोक लाइट अलॉय व्हील्स। आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिलेंगे। S500, S63 AMG और S65 AMG भी आते हैं, बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मर्सिडीज बेंज इंटेलिजेंट ड्राइव है जो खतरे को समझ लेगा और आपको वार्निंग देगा या ऑटो ब्रेक्स भी लगाएगा। फर्स्ट टाइम इंडियन एस क्लास में ड्राइविंग असिस्टेंस पैकेज मिलेगा जो हाईवेज पे ऑटो ड्राइविंग, ऑटो ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन, ब्लाइंड स्पॉट में हेल्प और स्टीयरिंग सपोर्ट देगा। इससे ऑटोनोमस और एक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग मिलेगी। मर्सिडीज कहती है कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा कहीं पानी है तो वहाँ एस क्लास को ना ले जाएं। ये रूबी ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, वाइट, प्योर ब्लैक, सिल्वर और ब्लू का भी ऑप्शन है। दो एग्जॉस्ट पाइप्स मिल रहे हैं। S450 की बैजिंग। सेफ्टी के अंदर 8 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS, एक्टिव डिस्टेंस असिस्ट डिस्ट्रॉनिक और एक्टिव स्टेयरिंग असिस्ट जो ड्राइविंग में सपोर्ट और स्ट्रेस कम करेगा, एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, एक्टिव ब्रेकिंग असिस्ट और एक्टिव स्टेयरिंग असिस्ट मिलेंगे। एयरमेटिक एयर सस्पेंशन है जिनको आप 30 mm तक ऊंचा भी कर सकते हैं। एस क्लास कूपे भी आती है बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ज़्यादा सामान है तो आप एक्सरीज में रूफ बॉक्स भी लगवा सकते हैं जिसकी कीमत है लगभग 35,000 रुपीज़। और यह है मैजिक विजन कंट्रोल हीटेड वाइपर और वॉशर सिस्टम। CLA और ई क्लास की डिज़ाइन थीम यूज़ हुई है एस क्लास में। आइए अब बूट खोलकर देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगी 530 लीटर की बूट स्पेस। नीचे पैर हिला के भी आप बूट खोल सकते हैं। यहाँ साइड में थोड़ी बहुत स्पेस है, यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस दी गई है। और इसको उठाएंगे तो यहाँ पर स्पेयर व्हील आएगा और टूल किट। हाथ से ही बंद करना पड़ेगा। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। तो यहाँ सन ब्लाइंड्स मिलेंगे सन प्रोटेक्शन पैकेज के अंदर। 13 स्पीकर्स, 590 वॉट्स का बर्मेस्टर सराउंड साउंड सिस्टम मिलेगा। और ये पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, मसाज, हीटिंग और वेंटिलेशन फंक्शंस। सन ब्लाइंड के कंट्रोल्स और ये मसाज, हीटिंग और वेंटिलेशन के फंक्शंस। काफ़ी अच्छी वुड ट्रिम और लेदर फिनिश, बर्मेस्टर स्पीकर्स। ये मर्सिडीज की स्कफ प्लेट, और ऐसे दिखती हैं पीछे की सीट्स। सिल्क बीज लेदर पॉलिस्ट्री आप देख रहे हैं।
ब्लैक का भी ऑप्शन आएगा शॉफर पैकेज के अंदर। फ्रंट पैसेंजर सीट काफ़ी आगे भी हो सकती है। आर्म रेस्ट पे वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। ये फ्रंट पैसेंजर सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं, पूरी आगे तक हो जाएगी ये। और ये सनरूफ, हेडरेस्ट पे भी कुशन मिल रहा है। और इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। हीटेड और कूल्ड ग्लास होल्डर्स। और ये रेफ्रिजरेटर है यहाँ पे। और ये दो 10 इंच की स्क्रीन्स मिलेंगी, सपोर्ट करेंगी ब्लू रे, डीवीडी, टीवी, इंटरनेट और वीडियो गेम्स। ये आगे कमांड ऑनलाइन से भी कंट्रोल हो सकता है। इसको हटा देते हैं, ऊपर कर देते हैं। तो तीन हेडरेस मिलते हैं, दो हेडरेस पे कुशन्स मिलेंगे। यहाँ मैगजीन्स या न्यूज़पेपर रख सकते हैं। ये चार्जिंग पोर्ट है 12V का, और साथ में ये लाइटर है। और ये यहाँ सीडी डालने के लिए, ये एसी, दो एसी वेंट्स मिलेंगे पीछे। ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड। नया 3-स्पोक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलेगा नापा लेदर में। शानदार डैशबोर्ड पे वुड ट्रिम भी मिल रही है। और ये लाइट के साथ मिरर्स मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी एक रीडिंग लाइट मिलेगी। और यहाँ पर एक और, यहाँ पे आप कोट या कुछ टांगने के लिए, यहाँ पे एक और मिरर मिलेगा लाइट के साथ। स्टार एजिलिटी फाइनेंस। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। 16-way पावर एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी, हीटिंग, वेंटिलेशन और मेमोरी फंक्शन के साथ। आगे की दोनों सीट 16-way पावर एडजस्टेबल हैं। नीचे काफ़ी स्पेस भी दी गई है। ये कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। बोमास्टर के स्पीकर्स। और ये वेंटिलेशन और हीटिंग के फंक्शंस। मर्सिडीज़-बेंज़ की स्कफ प्लेट। वैसे दिखती हैं आगे की ड्राइवर और पैसेंजर सीट्स। डिज़ाइन ऑफ ब्राउन एशवुड ट्रिम मिलेगी डैशबोर्ड पे। यहाँ से पीछे कर देते हैं सीट को। आइए अब अंदर चलते हैं। तो ये एसी के वेंट्स हैं यहाँ पे। और ये लाइट के कंट्रोल्स हैं। पार्किंग ब्रेक है। और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, पेडल्स। और आर्मरेस्ट खोलेंगे तो यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग, दो यूएसबी पोर्ट, एसडी कार्ड। ये कमांड ऑनलाइन का कंट्रोलर है। और भी यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं। दो ग्लास होल्डर्स हैं साथ में। इसको कैसे क्लोज करेंगे। और ये लाइटर और एस्ट्रे। और ये थर्माट्रॉनिक ऑटोमेटिक 2-जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी। बीच में क्लॉक मिलेगी। 4 एसी वेंट्स हैं। और ये है 12.3 इंच का कमांड ऑनलाइन इंफोटेनमेंट। सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ, यूएसबी, रेडियो, एफएम, नेविगेशन और एसडी कार्ड। 64 कलर्स में एम्बियंस लाइटिंग मिलेगी।
और यहाँ एयर बैलेंस पैकेज के अंदर यहाँ फ्रेग्रेंस बॉटल भी आती है, और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, ये एलईडी रीडिंग लाइट्स हैं, और ये सनग्लास होल्डर, ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, और ये शानदार नया थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील, यहाँ फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, इंफोटेनमेंट के, वॉल्यूम के कंट्रोल्स, ये मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, पेडल शिफ्टर्स, और ये है 9-speed 9G-tronic ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं, और ये है नया 12.3 inch का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, ये पूरी एक स्क्रीन है वहाँ से लेकर इंफोटेनमेंट तक, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ से कंट्रोल हो सकता है ये, स्पोर्ट मोड्स और ड्राइव मोड्स, और ये है पैनोरामिक स्लाइडिंग सनरूफ, वन टच से ही क्लोज और ओपन हो सकती है, और ये लाइट के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, कितने स्लोली ऑन ऑफ हो रही हैं, सनग्लास होल्डर, ये शानदार डैशबोर्ड की फिनिश, और ये ऐसे क्लोज और ओपन होता है, काफ़ी पीछे चले गया तो दिख नहीं रहा था, और ऐसी दिखती हैं सीट्स, आइए फ्रंट का बोनेट खोलते हैं और देखते हैं 3000 सीसी V6 पेट्रोल इंजन, ट्विन टर्बो चार्जिंग और इंटरकूलिंग के साथ, ये है 3000 सीसी V6 पेट्रोल इंजन, 367 हॉर्स पावर है, 500 Nm टॉर्क है, 0-100 किलोमीटर पर आर की स्पीड पकड़ेगी 5.1 सेकंड्स में, 250 किलोमीटर पर आर टॉप स्पीड है, और 12 का एवरेज मिलेगा 80 लीटर के फ्यूल टैंक से, डीजल में इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन आएगा जिसकी 286 हॉर्स पावर है, 600 Nm टॉर्क है, 0-100 जाएगी वो 6 सेकंड्स में, और 22 का एवरेज मिलेगा, सिलेंडर बैरल नैनो स्लाइड टेक्नोलॉजी में लगाए गए हैं, इससे बेहतर पिस्टन लुब्रिकेशन बनता है कम फ्रिक्शन के साथ, तो कैसी लगी आपको S-Class हमें कमेंट्स में बताइए, थैंक यू।